वेलकम बैक टू चैनल एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा और थंबनेल, टाइटल और थंबनेल। तो एक काम करते हैं, मैं पहले मेरे बाल बिल बना लेता हूँ, झाड़ को सब पानी दे देता हूँ, आज वाटरिंग डे, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। अभी जो मैं फिल्म एनालाइज करने वाला हूँ वो मेरा ही पुराना प्रोजेक्ट है, जो मेरा फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बोल सकते हैं, जो एक रीमेक था कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। और हमने ऐसा प्लान नहीं किया था कि ये फिल्म हम लोग यूट्यूब के लिए बना रहे, हम लोग सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बना रहे थे, जो है ब्लडी मैरी 2019 में बनाया था। तो लेट्स हैव अ लुक। सो ये शॉर्ट फिल्म बस हमारा एक रीमेक था, मैंने स्क्रैच से नहीं बनाया। ये हम लोग का कॉलेज प्रोजेक्ट दिया हुआ था, जो हम लोग सिर्फ कॉलेज में सबमिट करने वाले थे, बट हमने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। सो गाइस, इस फ्रेम में जो यहाँ पे ये यहाँ पे जो लाइट है वो मैंने एज अ बैक लाइट यूज किया है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को और बैकग्राउंड को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे लाइट बहुत हेल्प कर रही है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड में मर्ज नहीं होने दे रही। ब्लडी मैरी कर दी और लाइट स्विच हो गई है। यहाँ पर हम लोग ने बेबी लाइट यूज किया था जो हम लोग कॉलेज से मिला था, और हम लोग ने जो इस फिल्म में इक्विपमेंट्स यूज किया है वो मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो बता दूंगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, लाइट राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्विच हो गई। सो या बहुत बड़ी गलती है, बट वो टाइम पे हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था। अभी और आगे देखते हैं। तो मैं चाह के भी लाइट ऑन नहीं कर सकती। सो लेट्स स्टार्ट ब्लडी मैरी। और यहाँ पे वो लाइट नहीं होने से देखो पता चलता कि मतलब सब्जेक्ट और मेरे बैकग्राउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लडी मैरी, मेरे सब्जेक्ट के हेयर्स और बैकग्राउंड पूरा ब्लेंड हो गया है। ब्लडी मैरी सी। और यहाँ पे बहुत एक हार्ड जंप कट हो गया, बट वो हम लोग ने ट्राई किया कि मैं उस सी पे काटूँ तो इतना नोटिसेबल ना हो, क्योंकि ये कंटिन्यू शूट नहीं किया था और ये बेकार बड़ी गलती है, बट वी ट्राई टू मैच इट एटलीस्ट, बट इतना ही हो पाया। और ये इसके ओरिजिनल फुटेज मेरे पास नहीं है, तो मेरे को आपको वो भी दिखाने थे, क्योंकि मैंने ये फिल्म को एडिट किया और मैंने इसके एडिट में बहुत टाइम स्पेंड किया है, कि वो टाइम पे हम लोग को लाइटिंग का इतना नॉलेज नहीं था और इसकी मतलब इसका एडिट बहुत हैवी हुआ है, बट वो फाइल्स मेरे पास है नहीं फिलहाल। तो मैं जो चीज़ें मैं आपको ये फ्रेम में समझा सकता हूँ मैं वो उतनी कोशिश। एज आई टोल्ड यू नथिंग इज हैपनिंग। ये जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में वॉल दिख रही है वो बहुत ब्राइट थी, इसको पोस्ट में हम लोग ने डार्क किया, यहाँ पे बहुत लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी और हम लोग ने कट नहीं किया था, बट ये पोस्ट प्रोडक्शन हमने डार्क कर दिया था। और हाँ, मैं और एक बार सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को हेडफोन्स पे सुनो, आपको बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा। और ये वीडियो जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी एक बार मूवी पूरा ध्यान से देखना। ये फ्रेम में भी हमारी लाइटिंग अलग है, देख सकते हो आप, नीचे से मैंने लाइट किया हुआ है और लाइट हम लोग का बेबी लाइट है जो रनिंग है पूरा, और ये बहुत वियर्ड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बट हम लोग को वो टाइम पे ये चीज़ अच्छी लगी थी, हम लोग को नहीं पता था इस सीन को कैसे लाइट कर सकते हैं। अगर अभी मैं इस सीन को लाइट करूँ तो मैं टॉप डाउन लाइट दे दूँ एक ऊपर से, मतलब मेरे कैरेक्टर के, और उसको फुल्ली डिफ्यूज रखूँ और मैं वॉल्स पे रिफ्लेक्शन भी काट दूंगा।
बट यस। और उसकी ये सीन सीधा हमने फिर सुबह शूट किया था क्योंकि कैमरा की बैटरी डेड हो गई थी। I'm standing out from long time. If you lock me from inside, how can I get in? और एक बात हमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि ये शॉर्ट फिल्म को हम लोग ने इंग्लिश में रखने की कोशिश सोचा। अगर मैं इसको हिंदी में शूट करता तो इसका आउटपुट और ज़्यादा अच्छा आता क्योंकि हाँ हम लोग ने एक्टर्स एंड मूवमेंट तो फाइनल किए एज आई सेड कि मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट था और मेरे अभी जिसने एक्टिंग की उसको कुछ को नहीं पता था कि मेरे को एक्ट करना है एंड मूवमेंट उसको बोला कि एक्ट करना है। सो वही डिफिकल्टीज होती है एक्टर्स के वजह से क्योंकि उनको वो एसेंट इतने अच्छे से पकड़ने नहीं आता तो वो डायलॉग डिलीवरी उस तरीके से नहीं हो पाती। एंड ये शॉर्ट फिल्म पे मेजॉरिटी कमेंट्स एक्टिंग के रिलेटेड ही आई है मतलब हाँ मुझे भी पता है कि ये और बेटर हो सकता था बट एज हम लोग ने प्लान नहीं था कि हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे बट हाँ हम लोग एक्टिंग में और अच्छा कर सकते थे ये मुझे पता चला है। अब से हम लोग एक्टिंग पे और अच्छा ध्यान देते हैं बट मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इसको इंग्लिश में शूट किया जबकि मैं हिंदी में कर सकता था और मेरे दोनों भी एक्टर्स हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते। सो अगर आप में से भी कोई शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट पे है और सोच रहा है इंग्लिश में शूट करूँ तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंग्लिश फिल्म से चलती है हिंदी फिल्म भी चलती है और ये मेरा एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ जितने मैंने फिल्म्स बनाई है। तो बेसिकली इफ इंग्लिश बना रहे तो एक्टर्स ऐसे चूज करो जिनका एसेंट अच्छा और वो फ्लूइडली इंग्लिश बोल सके या फिर रिजल्ट्स आपके सामने है और इसके आगे का सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थॉट इट वाज ब्लडी मैरी बट गेस व्हाट इट वाज माय ब्रदर। So it's clear that there is no such thing. तो ये जो सीन था उसका ब्रदर का कॉल आया हम लोग ने जूम इन किया ये पोस्ट में जूम इन किया क्योंकि ये टाइम पे मैं 50mm का ब्लॉक लेंस यूज कर रहा था और बस आगे का सीन देखो आगे का सीन बहुत इंटरेस्टिंग है उसका एडिट बहुत हार्ड था। इवन जो मेरे सर थे जिन्होंने ये फिल्म देखी थी मतलब हम लोग का स्क्रीनिंग होता है उनको ऐसा लगा था कि ये सीन हम लोग ने बाहर से उठा के डाला ये हम लोग ने शूट ही नहीं किया। अगर इसका BTS मुझे मिलता है तो मैं डालने की कोशिश करूँगा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह कुछ मेरे को शायद मिल जाएगा बट मोस्टली तो मेरे पास कुछ फुटेजेस नहीं पर मैं ट्राई जरूर करता हूँ आप लोग ये सीन। सकते हो स्क्रीन पे जो ये लड़का खड़ा है तभी कैंडल की साइज और पोजीशन अलग है और नेक्स्ट सीन जब हम लोग उसे इंट्रोड्यूस करते हैं तब अलग है जस्ट बिकॉज ऑफ सीन बहुत फास्ट कट है इसलिए वो इतना नोटिस में नहीं आता बट है। एंड सेकेंडली जो मेरी मेजर मिस्टेक ऑन सेट हुई है कि ये जो हम लोग का गोस्ट का सीन है आई थिंक मैं यहाँ पे नहीं पकड़ सकता ये जो हम लोग का गोस्ट का सीन है देखो कैंडल का साइज एंड पोजीशन पूरा अलग हो गया फ्लेम्स की साइज एंड ऑल्सो ये जो सीन है मेरा यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने जो गोस्ट बनाया उसको वहाँ पे एट द एंड जहाँ पे वो खड़ा वहाँ पे फोकस किया था नहीं जब वो स्क्रीन के पास आया मतलब कैमरा के पास आया और जब वो कैमरा के पास आया तभी वो पूरा ब्लर्ड था। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको रोक सकूँ। हाँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा सीन यहाँ पे ब्लर्ड है पूरा ब्लर्ड है और इसको ये इससे भी ज़्यादा ब्लर्ड था
बट इसको मैंने पोस्ट में मतलब बहुत सारा नॉइज रिडक्शन और शार्पनिंग और बहुत सारी चीज़ें करके मैंने इसको इतना फोकस में लाया, बट मेरे पास ये नहीं है, मतलब कोई भी फुटेज नहीं है जो मैं दिखा सकूँ क्या। सो इस शॉर्ट फिल्म में जो यूज्ड इक्विपमेंट्स है, हम लोग ने कैनन का DSLR यूज किया था, जो था 550D, और उसके साथ दो लेंस पैर्ड अप थे, एक 1855 और एक 50mm का प्राइम लेंस। एंड जो लाइट्स हमने यूज की थी वो थी बेबी लाइट्स, एक ही बेबी लाइट थी हमारे पास, एंड और एक सॉफ्ट बॉक्स जो हम लोग ने खुद घर पे बनाया था, और उसके अंदर वो सॉफ्ट बॉक्स के अंदर एक LED बल्ब लगाया हुआ था। एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग ने यूज किया था, वो था प्रीमियर प्रो, वो टाइम हम लोग प्रीमियर प्रो यूज करते थे। एंड ये पूरा फिल्म मैंने ही एडिट किया था, और ये हम लोग का समझो एक ही दिन लगा था कुछ एडिट होने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बाद में 2 दिन और एडिट किया और यूट्यूब पे रिलीज किया था। ये फिल्म हम लोग ने शूट की थी 24 आवर्स में, 24 आवर्स भी नहीं बोल सकते, सैटरडे को कुछ हम लोग रात को शूट करने को चालू किया था 11-12 बजे के आसपास, एंड 11-12 बजे के आसपास, एंड हम लोग का शूट वैसे सुबह खत्म हुआ था 10-11 बजे, क्योंकि कैमरा की बैटरी हम लोग को बार बार चार्ज में रखनी पड़ रही थी, वो सब सीन हो रहा था। एंड हार्डली 24 आवर्स भी शूट नहीं किया था, एंड मंडे को एंड वही दिन से रात को मतलब संडे को एडिट करके मंडे को हम लोग ने प्रोजेक्ट सबमिट भी कर दिया था। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएप और रीजन, प्लीज डोंट फॉरगेट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करो, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर आपको मेरे शॉर्ट फिल्म्स के अभी जो मैं बना रहा हूँ उसके ब्रेकडाउन्स देखने, बिहाइंड द सीन्स देखने, तो मुझे वो भी बता दो। और मेरा और एक प्लान चल रहा है, जो अभी रिसेंटली इन प्रोडक्शन मूवी है बबूस, उसका मैं ब्रेक डाउन एंड कंपैरिजन, एंड ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ने उसका प्री प्रोडक्शन कैसे प्लान किया, बजटिंग कैसे की। एंड शॉर्ट फिल्म्स अभी के टाइम पे बजट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है कि बहुत खर्चा रहता है, सबको लगता है कि बहुत कम खर्चा रहता है मूवीज में, बट ऐसा नहीं है, बहुत खर्चा होता है, बट हम लोग वो बजट को कैसे कट करके मूवीज बना रहे हैं। अगर आपको इस सब पे वीडियोस चाहिए तो मुझे और कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा रहता है कि इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, बट जिसको भी चाहिए उसके लिए मैं बना दूंगा। एंड बाय बाय, स्टे सेफ, पीस आउट।